हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। गाइस, आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने पैराग्राफ और हेडिंग का टैग यूज़ करके ब्राउज़र पे अपने डिस्प्ले करवाया था टेक्स्ट। आज हम देखेंगे कैसे हम लोग डिफरेंट हेडिंग्स यूज़ करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग नोटपैड ओपन कर लीजिए। NOTEPAD, ये देखिए मेरा फर्स्ट पे ही नोटपैड आ गया। मैंने इसको क्लिक कर लिया, एंटर प्रेस किया। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML। वैसे तो हम लोगों ने कल देखा था, एक एग्जांपल भी की थी, लेकिन गाइस आपको जब तक ब्रीफली मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आगे अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट नहीं करूँगी। सबसे पहले आज हम देखेंगे HTML का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि गाइस के सबसे पहले रूट इसका कौन सा होता है टैग? HTML का टैग होता है रूट टैग। उसके बाद आता है हमारा हेड का टैग, के बाद आता है हमारा टाइटल का टैग। टाइटल का टैग देना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हमारे वेब ब्राउज़र को पता चल जाए, या हमें एकदम देख के पता चल जाए कि हमारा वेब ब्राउज़र पे जो टेक्स्ट है, जो ये हम लोग चीज़ शो करवा रहे हैं, वो है किस बारे में। उसके बाद टाइटल का टैग क्लोज, बॉडी का हेड का टैग क्लोज होगा। हेड का टैग देना इसलिए ज़रूरी होता है, हेड के टैग के अंदर होती है मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा जो कि हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर पढ़ा था, डाटा अबाउट डाटा, यानी कि जो बॉडी में हम लोग कंटेंट डालेंगे वही हमारा डाटा, उसकी मेटा इन्फॉर्मेशन किस में होगी? हेड के अंदर। और फिर बॉडी के अंदर हम लोग सारा कंटेंट डालेंगे, बॉडी के अंदर वो कंटेंट आएगा जो हम लोगों ने वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाना है। और एंड पे HTML का टैग क्लोज, ये सारे के सारे टैग्स आएंगे HTML के टैग के अंदर। गाइस, आप लोगों को ये सिंटेक्स जानना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करना मस्त है। जब तक आपको ये सिंटेक्स नहीं आएगा, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मैंने आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बताया HTML का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हेडिंग की डिफरेंट टाइप्स। हेडिंग की जैसे मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में कहा था, प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने H1 यूज़ किया था, लेकिन मैंने आपको साथ ही बताया था इसके अलावा भी हेडिंग की और भी टाइप्स होती हैं, यानी कि हम लोग हेडिंग को मज़ीद कैसे लिख सकते हैं। सो H1 के साथ मैंने लिखा है, H2 के साथ मैंने लिखा है, H3 के साथ मैंने लिखा है, H4 के साथ मैंने लिखा है, H5 के साथ लिखूंगी, और H6 हो गया। ये होते हैं हेडिंग्स के बेसिक टैग्स। H1 जो होती है सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 होती है उससे छोटी, और आगे उससे छोटी छोटी, ये सारी मज़ीद छोटी छोटी, और सबसे छोटा जो टैग होता है, सबसे छोटा जो नंबर होता है वो H6 होता है, और सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो होता है H1। तो हम लोग लिख लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगी, Ctrl+C प्रेस करूँगी, और नीचे जाके Ctrl+V दबा दूंगी, और ये वेब डिज़ाइनिंग आ गया। ऐसे ही Ctrl+V प्रेस करके वेब डिज़ाइनिंग कर लूँगी मैं। ताकि मैंने सेम सेंटेंस इसलिए लिया ताकि आप लोगों को गाइस आइडिया हो जाए कि H1 से H6 में क्या बेसिक डिफरेंस है, एकदम देख के आपको पता चल जाए। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगी, किसकी एक्सटेंशन से? .html की एक्सटेंशन से। अगर हम लोगों ने ये एक्सटेंशन नहीं डाली तो हमारा ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं करेगा। इसको डालना इसको बहुत ज़रूरी है। सो मैं अब अपने डेस्कटॉप पे देख लेती हूँ, वो रहा मेरा Lecture 2। मैंने इसको ओपन किया, देखते हैं कैसे हमारा ब्राउज़र डिस्प्ले करेगा। और ये देखें, सबसे पहले हेडिंग हमारी H1, और देन हमारी H2, देन हमारी H3, देन 4, देन 5, एंड देन 6। ये हमारी टोटल 6 हेडिंग की टाइप्स हैं, और हम लोगों ने टैग्स यूज़ करके इनको डिस्प्ले करवाया। स्ट्रक्चर मैंने इसलिए आपको लिखा था ताकि मैं आपको बता सकूं कि बेसिकली वेब ये HTML का स्ट्रक्चर क्या है। गाइस, आप लोगों ने आज इसकी प्रैक्टिस करनी है, मस्ट करनी है, और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेरी है। अगर आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन जाने आप लोग इतने अच्छे वेब डिज़ाइनिंग में हो जाएंगे कि आप लोग आखिर में एक अच्छी सी वेबसाइट बनाने के काबिल होंगे, लेकिन उसको आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो गाइस, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आपने आज वेब डिज़ाइनिंग लिखना है, और वो भी हेडिंग के टैग के अंदर। उसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लगे तो आपने प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आप मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जान सकें। थैंक यू सो मच गाइस।